What's up and welcome back to my channel. If you don't know already, I'm Sonia Garg with cameraman Yash Bhardwaj. Achha, ek second. Cameraman, boyfriend / cameraman Yash Bhardwaj. So today's video is something which I have done bahut time pehle bhi. It's like recreating my subscribers' photos. And this time I'm so overwhelmed by your response. I mean, I literally asked you guys to send me the most glamorous photo of yours to me in DMs and इतनी ज्यादा तुमने मस्त फोटोज भेजी है और इतने ज्यादा लोगों ने भेजी है, मुझे ऐसा लग रहा था कि व्हाट एम आई डूइंग विद माय लाइफ, यू गाइस आर द रियल प्रो. मतलब बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा फोटोज आई हुई है एंड आई रियली वांट टू रिक्रिएट एज मेनी एज पॉसिबल. सो लेट्स लुक एट देम वन बाय वन एंड स्टार्ट रिक्रिएटिंग. आ जाओ. ओके, सो द फर्स्ट फोटो इज दिस वन बाय दिशा बरनवाल. I'm sorry if I'm pronouncing your names wrong. I'm like genuinely sorry about it. But I love this photo of yours, man. I mean, ये इतनी simple है and at the same time थोड़ी creative भी लग रही है. मेरा देखते ही मन करा था कि हाँ मुझे recreate करनी है, तो आ जाओ करते हैं. तो she is wearing a कुर्ती, तो मैंने भी अंदर एक कुर्ती पहन ली है एंड उसके ऊपर मेन थिंग इज अ दुपट्टा. तो क्लोजेस्ट मुझे ना यही मिला है एंड इसको वी हैव टू वेयर समथिंग लाइक दिस. एंड हल्का सा मैंने सेम इयर रिंग भी पहनने की ट्राई करी एंड आई जस्ट हैव टू पोज विद इट. लाइक इट्स वेरी एफर्टलेस बट मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी एंड मुझे हेयर भी फिक्स करना है. आई गेस यहाँ से बाहर निकलेंगे बाल, यहाँ से अंदर है. दिस थिंग ऑन टॉप ऑफ माई हेड एंड लाइक दिस. ओ माई गॉड, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना एफर्टलेस वाला भी कर पाऊंगी. यू गाइस आर जीनियस मैन. शी हैज यूज अ डार्क बैकग्राउंड, तो मैं ऐसे अलमीरा के आगे फोटो लेने की ट्राई करूंगी. एंड ऑल्सो शी हैज प्लेस दिस हैंड ऑफ हर्स ऑन अ टेबल. मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं ऐसे एयर में रखूंगी. एंड आई एम ऑल्सो ग्लैड ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने ना नेचुरल लाइटिंग में फोटो ली है. मुझे बहुत पसंद है, मैं भी ऐसे ही लेती हूँ एंड बहुत ही ओरिजिनल एंड क्रिएटिव निकल कर आती है. सो लेट्स ट्राई. सो दिस इज द फोटो विच केम आउट. मुझे लगता है कि काफ़ी सिमिलर आई है. ऑफकोर्स सेम नहीं आ सकती बिकॉज कंडीशंस एंड लोकेशंस में तो बहुत ही ज़्यादा मैसिव डिफरेंस होता है. पर एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सिमिलर आ गई है. तुम बताओ कैसी लग रही है. एंड ऑफकोर्स शी इज लुकिंग मोर ब्यूटिफुल. ओके, सो लेट्स डू दिस वन बाय नेहा गुप्ता. एंड उन्होंने ये भी लिखा है कि ये मेरी फेवरेट पिक्चर है क्योंकि पहली बार मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया था. एंड मुझे लग रहा है कि तुम्हें देख के अब मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करने वाली हूँ. ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड फन कॉन्सेप्ट है, ट्राई करते हैं. ओके, सो आई फाइनली फाउंड कार्ड. बहुत ही मुश्किल से मिले हैं मुझे बट वर्थ इट आई गेस. वो भी पता चलेगा फोटो के बाद. तो उन्होंने ये वाली साइड ली हुई थी बट दिस साइड इज पिंक फॉर मी. तो आई एम टेकिंग नंबर्स एंड आई गेस नंबर्स ज़्यादा कूल लगेंगे. मतलब मैं अपने इंस्टाग्राम पे ऐसे डालूंगी, ठीक है. ओके, तो अभी मुझे क्या करना है. ओके, समथिंग लाइक दिस. एंड ऑल्सो मैंने ट्राई किया कि ना टॉप थोड़ा मैं स्ट्राइप वाला ही पहनूं. मतलब मेरे पास प्रॉपर स्ट्राइप नहीं था तो मेरे पास ऐसे थिक स्ट्राइप से तो मैंने वो पहन लिया है, तो होपफुली सही लगे. एंड अभी मुझे ना इसको ऐसे प्लेस करना है कि मैं कहीं देख रही हूँ, ऐसे पीक कर रही हूँ इनके पीछे से ऐसे. आई थिंक लाइक दिस. लेट्स टेक द फोटो. सो गाइस, दिस इज द फोटो विच केम आउट. काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रही है आई गेस बिकॉज मेरे पास अभी इंस्पिरेशन थी तो मैंने ऐसी क्रिएटिव फोटो ले ली, वरना शायद मैं सोचती भी नहीं ऐसी वाली फोटो लेने की. एंड तुम बताओ कैसे लग रही है. एंड बाद में ना जब फोटो आ गई एंड देन व्हेन आई लुक क्लोजली टू हर फोटो ना, तो मुझे दो चीज़ें रियलाइज हुई कि नीचे छोटे छोटे कार्ड्स बने हुए हैं एंड ऑन द राइट हैंड साइड देर ऑल्सो रेड डायमंड्स. तो मैंने वो ना ऐसे एडिटिंग के थ्रू बाद में कर दिया था, नीचे कार्ड्स लगा दिए थे एंड राइट हैंड साइड मुझे रेड डायमंड्स नहीं मिले, पिंक डायमंड्स मिल गए थे. बट मे बी अगर मुझे बाद में मिलेंगे आई विल चेंज इट. बट अभी ऐसे अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है. मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बता दो कैसा लग रहा है. ऑलराइट, मूविंग ऑन. नेक्स्ट फोटो, आई रियली लाइक दिस वन. एंड अंकिता हैज सेंड मी दिस एंड शी हैज रिटन आई रियली लव योर कॉन्टेंट, यू हेल्प मी अ लॉट टू स्टाइल अप एंड हैज अ फेवरेट फोटो ऑफ माई सेल्फ. आई रियली लव इट. लव द वाइट ऑन वाइट एंड आउटफिट के लिए 10/10 बिकॉज मुझे यही लगता है कि ज़्यादा सिंपल आउटफिट होना आपकी और क्रिएटिविटी में हेल्प करती है फोटो निकलने में. एंड लेट्स डू इट. मुझे बहुत ही मस्त लग रही है, बहुत ही कूल एंड ऑसम पोज भी है. आ जाओ ट्राई करते हैं. हेलो बडी, इधर नीचे. तो मैंने ना बाद में फोटो को बहुत क्लोजली देखा, उन्होंने ना ब्लू जीन्स पहना हुआ था. तो हेयर आई एम विद द आउटफिट एंड मैंने हेयर स्टाइल भी थोड़ा सिमिलर बनाने की ट्राई किया है. एंड आई जस्ट हैव टू गिव लाइक अ रियली बैड एस वाला पोज ऐसे. डोंट टॉक टू मी. एंड उन्होंने पीछे ब्लैक आई गेस बेडशीट या कुछ बैकग्राउंड बनाया हुआ है. मेरे पास डार्कर में ऑलरेडी गेट है तो मैं इसी का ही बेस्ट यूज करने वाली हूँ. सो लेट्स टेक द फोटोज.
कैसी लग रही है, काफी सिमिलर आई है। वैसे मैं हर फोटो को देख के यही कह रही हूँ, बट मुझे एक्चुअली लग रहा है वो आ रही है। बाकी तुम मुझे अपना रिव्यू दो नीचे, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बी ऑनेस्ट। एंड सबसे खास बात मुझे ये फोटो लेते ही ये लगी कि आउटफिट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था। आई वॉज रियली एट ईज व्हेन आई वॉज यू नो सिटिंग देयर एंड क्लिकिंग फोटोज। बहुत ही कंफर्टेबली मैं पोज वगैरह कर पा रही थी। अभी भी बहुत चिल होके बैठी हुई, तो तुम देख ही सकते हो। ओके, मूविंग ऑन, वी हैव अनदर फोटो बाय अनन्या कनाल। उन्होंने मुझे दो फोटोज भेजी है। ऊपर वाली में आ गया शी इज वेयरिंग अ शर्ट, मैंने भी पहनी हुई है, लेकिन मुझे नीचे वाली फोटो ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड एस्थेटिक एंड क्रिएटिव लग रही है, एंड मुझे यही करनी है। मेरे पास फ्लावर्स वगैरह नहीं है, हम एडिट करेंगे, लेकिन हम पोजिंग एंड एवरीथिंग विल ट्राई कि ऐसे ही होए। गाइस, हमारे पास बैकग्राउंड की बहुत ज़्यादा कमी है, तो अभी जो शर्ट पहनी हुई थी ना उसी को नीचे रख दिया हमने, तो इसके ऊपर जल्दी से मैं लेट जाती हूँ। बुक भी है मेरे पास, तो सिमिलर कलर जो भी मेरे पास था वो आई एम पिकिंग, एंड थोड़े फ्लावर्स भी मुझे फेक वाले मिल गए, जो कम लगेंगे ना वो हम एडिटिंग में लगा देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मनी इज हेल्पिंग मी विद दी स्टाइलिंग, हेयर स्टाइलिंग। मनी प्लीज Make me pretty and not evil. मुझे पता है तेरे को बहुत मजा आ रहा है। ठीक है। हाँ। I guess photo आ गई है, उठ जाते हैं। I guess मेरे बालों में टक गए हैं flowers. चलो कोई बात नहीं, आज मैं ऐसे ही घूमूंगी तुम्हारे लिए। Guys, फोटो बहुत सिमिलर आई है, लेकिन आई गेस उनकी फोटो में मोस्ट ऑफ द बैकग्राउंड इज कवरिंग विद अ हेयर। मेरे छोटे बाल है तो इतना ही कवर हो पाया है, बट एनी वे अच्छा लग रहा है। तो जो पिंक फ्लावर्स थे वो लाइक मेरे पास ऑलरेडी थे, तो मैंने वो यूज़ करे। उन्होंने ब्लू फ्लावर्स यूज़ करे थे, बट आई हैड नथिंग टू यूज़ ऑन द बुक, तो उसमें मैंने कलर ऐसे चेंज कर दिया, वहाँ मैंने ब्लू कर दिया। तो देख रहे हो मैंने क्या किया, ये बहुत ही ऐसे पिंटरेस्टी वाइब दे रही है मुझे। थैंक यू फॉर मेकिंग मी ट्राई दिस। ओके सर, मूविंग ऑन, नेक्स्ट फोटो इज फ्रॉम पूजा कुलकर्णी। मुझे इसमें एक चीज बहुत मस्त लग रही है कि बहुत ही ज्यादा ऐसे मॉडर्न फोटो है, लेकिन उसमें जो इफेक्ट आ रहा है ना, इट्स वेरी विंटेज टाइप, तो वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे को, एंड मुझे बहुत मन कर रहा है ये वाली रिक्रिएट करने का। हालांकि मेरे इतने लंबे बाल है नहीं, बट कुछ कर लेंगे। अच्छा, ओके, सो वी हैव ब्राउन सोफा एंड इसके पिलोज को हम हटा देते हैं अभी, एंड आई जस्ट हैव टू सिट हियर बाल एक सेकेंड। वन थिंग विच आई लव द मोस्ट अबाउट दिस पोज इज कि इसमें ना वी डू नॉट हैव टू गिव लाइक वेरी इंटेंस मॉडल पोज, ऐसा नहीं करना है। वेरी स्माइलिंग, हैप्पी चर्पी फेस। Guys, I found a twin sister. हम literally same लग रहे हैं, and I guess ये photo ऐसी है कि like ditto same है, like from top to bottom it's entirely same, and मुझे लग रहा है कि मैं इसे ना print करा के एक album में ना लगा लूँ। This is actually looking that nice. मुझे बहुत ही मस्त लगी, I love the vibe. And editing में भी मैंने ऐसे lines वगैरह लाने की कोशिश करी है ताकि similar लगे बहुत ज़्यादा हद तक, and I guess I have passed this. बताओ। सो गाइज, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। आई नो आई प्रोमिस दैट आई बी रिक्रिएटिंग एज मैनी फोटोज एज पॉसिबल, बट एट द सेम टाइम आई डू नॉट वॉन्ट टू रूइन दैम। मतलब कि मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा फोटोज़ के चक्कर में ना मैं खराब कर दूँ। आई वॉन्ट टू लाइक प्रॉपर जस्टिस टू दैम, पूरा यू नो टाइम दे के एफर्ट्स लगा के, एंड एट दिस टाइम आई एम अ बिट टायर्ड, यू नो पूरा लोकेशन एडिटिंग स्टाइलिंग वगैरह, एंड इट्स टू डैम हॉट। बट अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है, तुम्हें ऐसी वीडियोज़ देखने में मज़ा आता है, मुझे बताओ, मे बी वील मेक मोर पार्ट्स ऑफ इट एंड वील हैव सो मच फन, एंड और ज़्यादा फोटोज रिक्रिएट करेंगे साथ में। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वन। ऑल्सो मुझे बता कि कौन सी फोटो तुम्हारी फेवरेट थी इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो। Bye.